हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। यहाँ हम इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को डिस्कस करेंगे। साहित्य लिटरेचर यानी ज्ञान का अथाह सागर। किताबें, जैसे ही किताबों का नाम आता है हालत क्या होती है देखते हैं। कुछ की हालत ऐसी होती है, और अगर किताबें हिस्ट्री से रिलेट करती हों तो कुछ की हालत ऐसी होती है और कुछ को तो नींद आने लगती है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ हिस्ट्री को जानना है, समझना है, इसलिए लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को जानना होगा। हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें पहले आते हैं रिलीजियस लिटरेचर, उसके बाद आते हैं सेक्युलर लिटरेचर, और फिर आते हैं अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों के यात्रा विवरण। यूरोपियंस जब इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया का कल्चर देखा, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे कल्चर में चेंज आ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि इंडिया को अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ के लिटरेचर को जानना और समझना होगा, और इसके लिए उन्होंने लिटरेचर को जानने की कोशिश की, लोगों से बात की, तो कई लिटरेचर्स का नाम आया। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, गीता। नतीजा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें और कैसे करें। फिर उन्होंने विचार किया कि क्योंकि इस देश में हर थोड़ी दूर पे कल्चर में चेंज आ रहा है, कल्चर में बदलाव आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ कोई एक लिटरेचर नहीं होगा। और बहुत ध्यान से उन्होंने जानने की कोशिश की और पाया कि यहाँ पे अगर सिर्फ रिलीजियस लिटरेचर को ही देखें तो वो कई हिस्सों में बटा हुआ था, जिनमें प्रमुख थे हिंदू लिटरेचर और नॉन हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर जिन्हें ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है, और नॉन हिंदू लिटरेचर जिन्हें ब्राह्मणेतर साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर आते हैं। हम बढ़ते हैं पहले ब्राह्मण साहित्य की तरफ या और देखते हैं वेदों को। वेद हिंदू धर्म के सब सर्वोच्च ग्रंथ हैं। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज माने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। वेद पूरी तरह से ज्ञान से भरा हुआ है, यानी कि वेद मनुष्य के मन में अज्ञान को आने नहीं देता, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, लगभग सभी प्रकार के ज्ञानों का संग्रह है, यानी कि ज्ञान का अथाह सागर। वेदों के लिए कहा जाता है कि परमेश्वर ने अप्रत्यक्ष रूप से ये ज्ञान स्वयं ऋषियों को दिया था, इसलिए वेदों को अपुरुषेय भी कहा गया। कालांतर में सुविधा की दृष्टि से वेदों को चार हिस्सों में बांटा गया, जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माने गए, क्योंकि वेदों में गूढ़ मंत्र हैं और ये रहस्य से भरे हुए माने जाते हैं, इसलिए इन्हें समझना सभी के लिए आसान नहीं था, जिस वजह से ऋषियों ने जंगलों का रुख किया और एकांतवास किया। एकांतवास करके इन्होंने वेदों के इस गूढ़ ज्ञान को जाना, समझा और फिर से लिखा ताकि और लोगों को समझ में आए, और साथ ही इन्होंने अपने अनुयायियों और शिष्यों को ये ज्ञान दिया। जिसके बाद कुछ और ग्रंथ सामने आते हैं, जिनमें अरण्यक, जिसका अर्थ है एकांत या जंगलों में पाया हुआ ज्ञान, उपनिषद यानी कि गुरु के निकट बैठ के पाया गया ज्ञान, उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। पुराण, पुराण में प्राचीन राजाओं की वंशावली और कहानियों का वर्णन है,
पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, जिनमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। इसके साथ ही वेदांग जिनकी संख्या 8 कही जाती है, स्मृतियाँ जिनमें मनुस्मृति सबसे ज़्यादा फेमस है। इनके अलावा ब्राह्मण साहित्य में और भी हैं जिनमें दर्शन आता है। दर्शन 6 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा यानी वेद मीमांसा, वेदांत मीमांसा, जिन्हें ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल ग्रंथ, वो ग्रंथ जो इतिहास से संबंधित हैं, जिनमें दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत का जिक्र होता है। अब हम बढ़ते हैं गीता की तरफ। गीता का अर्थ होता है सॉन्ग ऑफ गॉड यानी ईश्वर का गीत। श्रीमद् भगवद गीता जो कि महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, वो इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख गीता है। यानी कि भारत में और भारतीय इतिहास में और भी गीता हैं, जो है अनुगीता, उद्धव गीता, व्याध गीता, गुरु गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता और राम गीता। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन ब्राह्मण लिटरेचर यानी ब्राह्मणेतर साहित्य की तरफ। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध और जैन साहित्यों का वर्णन आता है। बौद्ध साहित्य भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों को बौद्ध कहा गया, और इस बौद्ध धर्म के अनुयायी जिस साहित्य को मानते हैं और जिस साहित्य का अनुगमन करते हैं, उन्हें ही बौद्ध साहित्य कहा गया। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। त्रिपिटक में गौतम बुद्ध की उपदेशों का, उनकी टीचिंग्स का कलेक्शन है, और इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हीं तीनों हिस्सों का संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, जिनमें है विनय पिटक, जिनमें बौद्ध संघ के रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स और आइडियाज़ हैं। इसके 3 हिस्से हैं, पातिमोक्ष, खंडक और परिवार। इसके बाद आता है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्तपिटक 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक सबसे बाद में लिखा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी कथा वस्तु है। इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगीत के समय की थी। त्रिपिटक के बाद आती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं। ये फिक्शन स्टोरीज़ हैं, जिन्हें बुद्ध के पिछले जन्मों से जोड़ के देखा जाता है। इसके साथ ही दीपवंश और महावंश आते हैं। दीपवंश और महावंश में मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जैन साहित्य की तरफ। जैन साहित्यों को प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्यों को अगम भी कहा जाता है, और अगम के अंतर्गत आते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। उवास गदसाओ में जैन उपासकों के विधि नियम आते हैं। इसके साथ ही अचरांग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा फॉलो किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख है। इसके साथ ही भगवती सूत्र में 16 महाजनपद और जैन धर्म के सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने कहा था, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, वॉट इज़ द वर्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म? ए निर्वाण, बी जिन, सी त्रिरत्न और डी कैवल्य।
बौद्ध धर्म में संपूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? ए निर्वाण, बी जिन, सी त्रिरत्न या डी कैवल्य? आंसर के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज इट्स करेंट फॉर्म इस्टेब्लिश्ड इन ए 1786, बी 1862, सी 1861 और डी 1852। यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? 1786, 1862, 1861 या 1852 में? इसका सही जवाब है सी 1861। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर लिटरेचर को और अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।